हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। कन्वर्जन उसको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो कन्वर्जन होती है 5 नंबर के, ये हमेशा पूछी गई है, ठीक है, पिछले सालों में। तो चलिए यहाँ पे कुछ बता रहे हैं कन्वर्जन से, इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है जिसको आप लोग क्या करिएगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला देखिए, ये कन्वर्जन दिया गया है, पहला है ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ब्यूटेनॉल मैं ये बना दे रहा हूँ, ब्यूटेनॉल, ठीक है, CH3CH2CH2CH2OH, ये क्या है, ब्यूटेनॉल है। ब्यूटेनॉल से क्या बनाना है, ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। सूत्र ये हो जाएगा, केवल हिंदी में लिखा रहेगा, सूत्र नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। CH3CH2CH2C क्या हो जाएगा, COOH, ये आपको बनाना है। ये है ब्यूटेनॉल, हिंदी में लिखा रहेगा ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। तो किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका ऑक्सीकरण कर देंगे K2Cr2O7, ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, ये ऑक्सीकरण कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अम्ल में बन जाएगा। देखिए जो अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो किस में बन जाएगा, ये अम्ल में बन जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड दिया गया, क्या दिया गया, एसीटैल्डिहाइड। सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ CH3CHO, ये क्या है, एसीटैल्डिहाइड से क्या बनाना है, एसीटिक अम्ल बनाना है। ये सिंपल दे दिया गया, एसीटैल्डिहाइड से COOH ये बनाना है। केवल इसका भी देखिए क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण कर देंगे तो भी ये बन जाएगा। मतलब जो अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये अम्ल बन जाएगा, इसको बताए थे, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा ये कह रहा है कि एसीटिक अम्ल से, एसीटिक अम्ल का सूत्र जानते हैं CH3COOH, एसीटिक अम्ल से क्या बनाना है, एथिल एसीटेट बनाना, ठीक है। एसीटिक अम्ल से कैसे ये क्या बनेगा, एथिल एसीटेट। सूत्र मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CH3C डबल बॉन्ड O, इस साइड क्या हो जाएगा C2H5, एथिल एसीटेट, ये क्या है, एथिल एसीटेट है। ये क्या है, एसीटिक अम्ल से क्या बनाना है, एथिल एसीटेट बनाना। तो आप लोग जानते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, जब अल्कोहल और अम्ल आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। अल्कोहल से करा दीजिए CH3CH2OH, किसकी उपस्थिति में करेगा, H2SO4 की उपस्थिति में करता है। एस्टरीकरण अभिक्रिया दिया गया तो इससे करा देंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, एथिल एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। चौथा देखिए ये दिया गया है, चौथा क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा कि एसीटोन, एसीटोन का सूत्र मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ CH3C डबल बॉन्ड O, इस साइड भी CH3, ये क्या है, एसीटोन है। एसीटोन से इसमें कहा कि 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है, 3 डिग्री अल्कोहल बनाना, मतलब तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बनाना है। इससे देखिए एसीटोन है, एसीटोन से क्या बनाना है, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल मतलब कि 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। CH3 यहाँ पे C हो गया, इस साइड भी CH3, इस साइड भी CH3, यहाँ पे OH लगा हो, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल ये बनाना है, ठीक है, एसीटोन है। तो आप लोग जानते हैं जब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं अल्कोहल एसीटोन से, तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल बन जाएगा। तो किसके साथ कराएंगे, CH3CH3MgBr, ठीक है ना, क्या है, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ये अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये आता है ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे जुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ से बॉन्ड ये ब्रेक होगा, इसके पास क्या आएगा, जब ये इससे अटैक करेगा तो ये सब देखिए बताया गया, केवल मैं ये बता रहा हूँ। CH3 ये हो जाएगा, ये इस साइड से है, यहाँ पे O ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, MgBr हो जाएगा, इस साइड भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 जुड़ जाएगा। अब सिंपली इसका क्या कर देंगे, केवल जल अपघटन कर देंगे, ठीक है, जल अपघटन कर देंगे, H3O पॉजिटिव मीन्स जब करेंगे तो यहाँ से ये टूट जाता है, तो यहाँ पे ये अल्कोहल ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी पोजीशन मैं यहाँ पे लिख दिया, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका ये बन जाएगा 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल बन जाएगा। अब देखिए और लास्ट ये दिया गया है, पांचवा है इसमें का, पांचवा दिया गया है यहाँ पे, ये दिया गया है
ये दिया गया है कितना, 1, 2, 3, हाँ, वन ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन दिया गया है, ठीक है, 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो, ये बी आर हो गया, ठीक है, 1 ब्रोमो हो गया, 1, 2, 3, ये क्या हो गया, 3 पे ये नाइट्रो है, ठीक है, 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन से क्या बनाना है, ये बनाना है 1, 2, 3, हाँ, 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बनाना है, क्या बनाना है, 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बनाना है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेंजोइक अम्ल हो गया, 1, 2, 3, 3 पे ये क्या हो जाएगा, NO2 समूह जुड़ जाएगा, 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल ये बनाना है, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, तो पहला देखिए क्या करा देंगे, KCN से रिएक्शन करा देंगे, ठीक है ना, KCN से रिएक्शन करा देंगे, देखिए KCN से पहले करा दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे CN हो जाएगी, ये BR चला जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, CN, KBR निकल जाएगा, ठीक है, इसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, ये CN ये जुड़ जाएगा, और यहाँ पे NO2 ये लगा ही है, ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, इसका केवल जल अपघटन करा दीजिए, ठीक है, क्या करा दीजिए, जल अपघटन, ये जो CN है, ये साइनाइड, ये किस में चेंज हो जाएगा, अम्ल में ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका, ये COOH हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे NO2 ये बन जाएगा, ठीक है, तो यही आपका ये बन जाएगा, तो इसमें क्या बन गया, यहाँ पे 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल ये बन गया, तो ये देखिए 5 नंबर के थे, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलिए और भी देखते हैं, ठीक है, और भी प्रीवियस ईयर का बता देते हैं इसी में, चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं प्रीवियस ईयर का, ये भी 5 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला देखिए ये दिया गया है, कह रहा है कि एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल से क्या बनाना है, मतलब कि इथेनॉल से बनाना है मेथेनॉल, ठीक है, CH3OH ये कैसे बनेगा, ठीक है ना, इथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनेगा, ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा लॉन्ग में ये है कन्वर्जन, ठीक है, तो इसको ध्यान में दीजिएगा, तो सबसे पहले देखिए क्या कराएंगे, यहाँ पे एथिल अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे, ठीक है, ऑक्सीकरण करा देंगे, तो अल्कोहल है, अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3CHO एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, अब एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए, ठीक है, अब ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, CH3COOH, ठीक है, एसिटिक अम्ल बन जाएगा, एल्कोहल का कराएंगे, ये बनेगा, फिर ये बन जाएगा, फिर देखिए क्या करेंगे, NH3 के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, अमोनिया के साथ, NH3, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3COONH4, ठीक है, क्या बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, अब देखिए आगे क्या कर दीजिए, फिर से अब यहाँ पे इसको गर्म कर दीजिए, तो यहाँ पे जल निकल जाएगा, गर्म करेंगे तो यहाँ से जल निकल जाएगा, तो एमाइड बन जाएगा, CH3CONH2 ये बन जाएगा, ठीक है, एमाइड बन गया, अब इसका क्या कर देंगे, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है, BR2 के साथ कराएंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HBr ये निकल जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाएगा, और ब्रोमीन क्या हो जाएगी, यहाँ पे जुड़ जाएगी, क्या बनेगा, CH3CONHBr ये बन जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद KOH के साथ करा देंगे, ठीक है, अभिक्रिया, तो क्या निकलेगा, KBr निकल जाएगा, और निकलेगा H2O निकल जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, मेथिल आइसोसाइनेट बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, मेथिल CH3NCO, ये क्या है, मेथिल आइसोसाइनेट बन रहा है, ठीक है, क्या है, मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट बन जाएगा, अब इसका क्या करेंगे, इसका भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 मोल्स KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, CH3NH2, मेथनामीन बन जाएगा, ठीक है, अब इसका क्या कराएंगे, HNO2 के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा, CH3OH, तो इसमें देखिए ये थोड़ी सी लंबी रिएक्शन है, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पहले देखिए इसका क्या कराएं, ऑक्सीकरण कराएं, तो ये बना, फिर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, तो ये अमोनिया के साथ ये
कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, फिर गर्म कर देंगे तो एमाइड बन जाएगा, फिर Br2 के साथ करेंगे ये बनेगा, फिर इसमें से देखिए KOH के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा, फिर करेंगे तो ये बन जाएगा KOH के साथ 2 mol, फिर आप HNO2 के साथ कर देंगे तो ये अल्कोहल आपका बन जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेथेनॉल से, दूसरा क्वेश्चन है मेथेनॉल CH3OH, यही है CH3OH मेथेनॉल से बनाना है, हाँ एसिटिक अम्ल बनाना है, मेथेनॉल से बनाना है एसिटिक अम्ल CH3COOH, मेथेनॉल से क्या बनाना, एसिटिक अम्ल बनाना, हिंदी में लिखा रहेगा मेथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए मेथेनॉल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे, पहला देखिए क्या कर देंगे, PCl3 से कर देंगे, ठीक है, किसके साथ कराएंगे, PCl3, ठीक है, PCl3 से कराएंगे तो H3PO3 ये निकल जाता, तो आपका क्या बनता है, क्लोरोमेथेन बनता है, CH3Cl बनता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करा देंगे, एक कार्बन जब बढ़ाना रहता है तो KCN से करा दें अभिक्रिया, इसमें देखिए पूछा था दो कार्बन, तो एक कार्बन जब बढ़ाना रहता है तो एल के लिए बनाते, फिर इसके बाद KCN से रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ ये रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, KCN से देखिए जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पे क्या बन जाएगा, CN बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा यहाँ पे, KCl ये निकल जाएगा, ठीक है। अब ये साइनाइड का केवल देखिए जल अपघटन कराते हैं H3O पॉजिटिव, तो अम्ल बन जाता है CH3COOH ये बन जाएगा, तो ये आपका मेथेनॉल से एसिटिक अम्ल ये बन गया, दूसरा ये क्वेश्चन था, ठीक है। तीसरा देखिए क्वेश्चन ये है कि आपको फिनॉल से बनाना पिक्रिक अम्ल बनाना है, हिंदी में लिखा रहेगा फिनॉल है, फिनॉल का सूत्र मैं यहाँ पे ये बना दे रहा हूँ, ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया, OH हो गया, पिक्रिक अम्ल बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे पिक्रिक अम्ल का सूत्र यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हिंदी में लिखा रहेगा, ये सूत्र नहीं बनाया रहेगा, ये फिनॉल हो गया और आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा रहेगा, NO2 समूह जुड़ा रहेगा, ठीक है, यही क्या है, पिक्रिक अम्ल है, NO2 समूह जुड़ा रहेगा, तो ये फिनॉल है, फिनॉल से क्या बनाना, पिक्रिक अम्ल बनाना। अब देखिए ये किसके साथ कराते हैं, ये सांद्र में सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 के साथ क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो पिक्रिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए चौथा कह रहा है फिनॉल से क्या बनाना, फिनॉल फैथलिन, हाँ फिनॉल से बनाना है फिनॉल फैथलिन, चौथा ये फिनॉल हो गया, यहाँ पे बना दूँ, फिनॉल से क्या बनाना है, फिनॉल फैथलिन बनाना, OH है, फिनॉल से फिनॉल फैथलिन, फिनॉल फैथलिन देखिए क्या है, ये एक सूचक है, ठीक है, जो एसिड अम्ल क्षारक का सूचक है, फिनॉल हो गया, फिनॉल से फिनॉल फैथलिन बनाना, ठीक है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया क्या कराती है, जो इसकी ये वाली हाइड्रोजन रहती, नीचे वाली हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका फिनॉल बन जा रहा है, ठीक है, ये 2 mol ले लिए फिनॉल, इसकी ये पैरापोजिशन की हाइड्रोजन है, जब ये किसके साथ करती है, फैथिलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करती है, रिएक्शन कराती किसके साथ, फैथिलिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, ये क्या हो गया फैथिलिक, ये C हो गया डबल बॉन्ड O, इस साइड भी C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे O है, यहाँ पे ये O है, दिख रहा ना, ये क्या फैथिलिक एनहाइड्राइड है। जब देखिए फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, फैथिलिक एनहाइड्राइड के साथ, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, ये जल निकल जाता है, जल का मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये फैथेलिन, फिनॉल फैथेलिन बन जाएगा, ठीक है, फैथिलिक एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं, सब कुछ वैसे ही रहेगा ऊपर जैसा है, ठीक है। यहाँ पे ये 1 mol आपने फिनॉल ऐसे लिखा है, दूसरा यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, ये फिनॉल, ठीक है, यहाँ पे OH समूह है, इसका ये वाला और ये वाली हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ जाएगी, इस कार्बन पे जुड़ जाएगी, ठीक है, और ये आपका ये बना हुआ है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड जैसे की हैं वैसे ही रहेगा, और नीचे ये C डबल बॉन्ड O, और इस साइड O, और इस साइड ये है, तो यही है फिनॉल फैथलिन है। जब देखिए फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, फैथलिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे, तो ये फिनॉल फैथलिन ये बन जाएगा। और देखिए पांचवा वाला क्वेश्चन ये दिया था,
कि आपको दिया था फिनॉल से, ठीक है, पांचवा नंबर जो है, पांचवा नंबर ये कह रहा है कि फिनॉल से आपको बनाना है बेंजीन। ये फिनॉल हो गया, फिनॉल से क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। जब क्या करेंगे, जिंक चूड़ के साथ क्या करते हैं, जिंक चूड़ के साथ इसको इसकी अभिक्रिया करा देते हैं, जिंक चूड़, ठीक है, जिंक चूड़ के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड ZnO बना लेगा, ठीक है। तो ये पांच क्वेश्चन ये हो गए पांच नंबर के हैं, ठीक है ना। तो एक दो तीन चार ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, और देखिए ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहला पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन इसमें देखिए कह रहा है कि बनाना है टालुइन से बेंजाल्डिहाइड। टालुइन हिंदी में लिखा रहेगा, टालुइन से क्या बनाना रहेगा, बेंजाल्डिहाइड बनाना रहेगा। तो टालुइन का सूत्र मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये टालुइन हो गया, ठीक है, ऊपर CH3 समूह लगा रहेगा, क्या बनाना है, बेंजाल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। ऊपर बेंजाल्डिहाइड में क्या रहता है, यहाँ पे CHO समूह जुड़ा रहता है, ये क्या हो गया, बेंजाल्डिहाइड हो गया। अब देखिए इसके इसका इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं, पहला तो क्या करा देंगे यहाँ पे इटार अभिक्रिया। इटार अभिक्रिया में क्या होता है, CrO2Cl2 और किसकी उपस्थिति में, CH2, या फिर इसके साथ करा देंगे तो ये बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, इटार अभिक्रिया। या फिर आप इसका क्या करा देंगे, क्लोरीनेशन करा देंगे, क्लोरीनेशन करके ये गर्म कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये CHCl2 बन जाएगा, ठीक है। फिर भी इसका क्या कराएंगे, फिर इसका आप जल अपघटन करा देंगे, H3O पॉजिटिव, कितना तापमान, 373 केल्विन पे, तो भी ये क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ये नाम रिएक्शन, इसको आप लोग ने पढ़ा भी होगा, इटार अभिक्रिया, तो इसके साथ करा देंगे तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है, क्या है, टालुइन से बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए कह रहा कि दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा क्वेश्चन ये है कि बेंजाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाइल क्लोराइड का सूत्र जो होता है, बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ पे क्या रहेगा, CH2Cl, ये सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, हिंदी में दिया रहेगा, नाम दिया रहेगा, बेंजाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, बेंजाल्डिहाइड बनाना है, हाँ, ये बेंजाल्डिहाइड। इसमें भी देखिए यही दिया गया है, बेंजाइल क्लोराइड से क्या बनाना था, बेंजाल्डिहाइड बनाना है। तो इसमें देखिए आपने पढ़ा होगा रोजेनमुंड अपचयन, ठीक है, क्या पढ़ा, क्या था, हाँ, रोजेनमुंड रिएक्शन था, हाँ, उबलती हुई जालिन में कराते हैं, तो बेंजाइल क्लोराइड है, इसका रोजेनमुंड रिएक्शन करा दीजिए, किसकी उपस्थिति में होता है, H2PD, किसके उपस्थिति होता है, PD और या फिर BaSO4, PD BaSO4, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। तीसरा देखिए दिया गया है, तीसरा ये दिया गया है, एसीटोनाइट्राइल से क्या बनाना है, एथेनॉल। एसीटोनाइट्राइल सूत्र ये हो जाएगा, AcS3CN, ये क्या है, एसीटोनाइट्राइल से क्या बनाना है, एथेनॉल बनाना, ठीक है, क्या बनाना है, एथेनॉल, CH3CH2OH, एथेनॉल बनाना है। तो एसीटोनाइट्राइल का जब देखिए ये नाइट्राइल है, ठीक है, इसका जल अपघटन करते हैं H3O पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाते हैं, अम्ल बन जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, CH3COOH बन जाएंगे। अब देखिए ये अम्ल है, ठीक है, इसका क्या करा देंगे, इसका क्या करेंगे, किसके साथ कराते थे कि अल्कोहल में ये हो जाता था, अपचयित हो जाता था, ठीक है। देखिए अम्ल है तो इसके लिए क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करा देंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या होता है, अम्ल को अपचयित कर देगा अल्कोहल में, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करा देंगे, ठीक है। अब देखिए पांच चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि चौथा नंबर ये है, कह रहा है फेनिल मेथिल कीटोन से क्या बनाना है, ये बेंजोइक अम्ल बनाना है, फेनिल मेथिल कीटोन, अब सूत्र ये याद होना चाहिए, ये फेनिल हो गया, ठीक है, सॉरी ये फेनिल मेथिल पूछ का है ना, तो इधर आपने फेनिल बना लिया, ये आपका ये फेनिल समूह हो गया, और मेथिल कह रहा है इस साइड, ये CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे ये कीटोन हो गया, फेनिल मेथिल
कीटोन, ठीक है, से क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल बनाना है। केवल देखिए इसका ऑक्सीकरण कर देंगे, ठीक है, इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एक में क्या हो जाएगा, CH3COOH ये जुड़ जाएगा, और एक में क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगी। इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण कर देंगे, ठीक है, ये क्या बन गया, बेंजोइक अम्ल बन गया, प्लस इसी के साथ CH3COOH अम्ल बन जाएगी, ठीक है, तो ये दोनों बन जाएगा, दिख रहा है ना। हाँ, और देखिए पांचवा कह रहा है कि ब्रोमोबेंजीन से, किससे, ब्रोमोबेंजीन, पांचवा ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल बनाना है। ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल बनाना। देखिए ये कैसे बनेगी, ये सी है, ओ ओ एच है, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनानी। अब देखिए एक कार्बन बढ़ाना रहता है, इसमें एक कार्बन बढ़ाना रहता है तो किसके साथ कराते हैं, KCN से, पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CN लग जाएगा, ठीक है, और KBr यहाँ से, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे KBr आपका ये निकल जा रहा, ठीक है। अब देखिए साइनाइड है, इसका क्या कर देंगे, जल अपघटन कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, जल अपघटन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अम्ल में ये परिवर्तित हो जाएगा, COOH बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन थे, ये 5 मार्क्स के आते हैं, तो इसमें से भी आ सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको भी। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, पहला देखिए ये भी एक नंबर है, कह रहा है कि जो एसिटिक अम्ल से क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है। एसिटिक अम्ल ये CH3COOH है, इससे क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है। एसीटोन का सूत्र ये हो गया CH3C OCH3, एसीटोन ये बनाना है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, ठीक है, अब इसका देखिए क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में गर्म कर देंगे तो एसीटोन ये बन जाएगा। एसिटिक अम्ल को कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल से क्या बनाना है, सैलिसैल्डिहाइड, फिनॉल से, ये फिनॉल हो गया, OH समूह जुड़ा है, क्या बनाना है, सैलिसैल्डिहाइड बनाना है। तो केवल क्या होता है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, CHO समूह जुड़ जाता है, यही सैलिसैल्डिहाइड क्या है, सैलिसैल्डिहाइड बना है, फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड। अब इसका देखिए किसके उपस्थिति में कराते हैं, जब क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड बनेगा, प्लस इसी के साथ क्या बनेगा, यहाँ पे NaCl बनेगा, नमक बनता है, प्लस H2O बनता है, ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, केवल ये सैलिसैल्डिहाइड बना है, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। तीसरा देखिए कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO होता है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनाना है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, फॉर्मेल्डिहाइड से बनाना हेक्सामेथिलीन टेट्राएमाइन, हेक्सामेथिलीन CH2 कितनी बार रहेगा यहाँ पे, 6 टाइम, और टेट्रामेथिलीन N4, ये हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाना है, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। इसका देखिए किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पे इसके अभिक्रिया केवल अमोनिया के साथ करा देंगे, NH3 के साथ करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बन जाएगा, ठीक है। और चौथा देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एसीटोन से, सॉरी यहाँ पे देखिए ये चौथा कह रहा है कि एसीटैल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, CHO, एसीटैल्डिहाइड से क्या बनाना है, सिनेमिक अम्ल बनाना है, ठीक है, एसीटैल्डिहाइड से क्या बनाना है, सिनेमिक अम्ल बनाना है, सिनेमिक अम्ल बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें सिनेमिक अम्ल का जो सिनेमिक अम्ल हिंदी में लिखा रहेगा, ठीक है, जब देखिए इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड सूत्र होता है CH3CO2O, एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में CH3COONa एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं, ठीक है ना,
एसिटिक एनहाइड्राइड, और क्या है ये सोडियम एसीटेट से कराते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे सिनेमिक अम्ल बनती है। ये क्या है यहाँ पे सी, ये डबल बॉन्ड ये लगा हुआ है, ठीक है ऐसे गोला भी बना सकते हैं, फिर ये क्या बन जाएगा 1, 2, 3, ठीक है यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और ओ एच और एक बेस में ये रहता, ठीक है यही क्या होती है सिनेमिक अम्ल होती है। तो जब क्या होता है बेंजाल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल में बना रहता है तो एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट से अभिक्रिया कराते हैं। पांचवा देखिए ये दिया गया है, पांचवा ये कह रहा है कि एसीटोन से प्रोपीन बनाना है। क्या एसीटोन से प्रोपीन, एसीटोन का सूत्र क्या होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यही तो है एसीटोन से क्या बनाना प्रोपीन जिसमें डबल बॉन्ड रहते हैं, ठीक है प्रोपीन बनाना है। अब देखिए एसीटोन का क्या कर लीजिए जल अपघटन कर लीजिए LiAlH4 सॉरी इसका क्या करा दीजिए यहाँ पे अपघटन करा दीजिए अपचयन करा दीजिए LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है तो एल्कोहल में ये बन जाएगा, ठीक है CH3 यहाँ पे C है यहाँ पे OH हो जाएगा इस साइड CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कराएंगे यहाँ पे, अब इसको क्या करना है प्रोपाइन बनाना, अब इसको गर्म कर देंगे, ठीक है तो गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में करेंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्रोपीन बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और जल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 500 देखिए कन्वर्जेंस है तो इसको देख लीजिए इम्पॉर्टेंट है इस ईयर भी आ सकते हैं, ठीक है। और देखिए एक और लास्ट बचा ये 5 बता दे रहे हैं, ठीक है देखिए ये भी 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला देखिए कह रहा है कि फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल बनाना है, फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HCOOH, ये क्या है फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है ये होता है COOH, ये कैसे बनेगा, ठीक है ये क्या है फार्मिक अम्ल से क्या बनाना ऑक्जेलिक अम्ल बनाना कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए बता रहे पहले देखिए क्या ले लीजिए 2 मोल्स फार्मिक अम्ल ले लीजिए सोडियम के साथ रिएक्शन कराते 2 मोल्स सोडियम के साथ तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 मोल्स ये हो जाएगा HCOONA ये बन जाएगा, ठीक है और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है ये निकल रही है। फिर अब इसको क्या कर दीजिए इसको केवल गर्म कर दीजिए, क्या कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं, ठीक है गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे ये क्या ये वाली हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन निकल जाएगी क्या बन जाएगा COONA, ये भी क्या हो जाएगा COONA और हाइड्रोजन जो रहेगी ये निकल जाएगी, ठीक है। फिर अब देखिए इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दीजिए CaOH2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे कराएंगे तो यहाँ पे 2 मोल्स ये दोनों Na और यहाँ से OH ये निकल जाएगा Na ये दोनों Na और यहाँ से OH क्या बन जाएगा Ca, ये क्या है Ca ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे COO2Ca, ठीक है ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे H2SO4 के साथ क्या करा देंगे अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा, यहाँ पे C है ठीक है यहाँ पे भी C है यहाँ पे COOH फार्मिक अम्ल बन जाएगा प्लस क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट ये बन जाएगा, ठीक है क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और ये आपकी जो फार्मिक अम्ल बनानी थी ये बन जाएगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन बनाना है, दूसरा वाला क्वेश्चन में कह रहा है एसिटिक अम्ल है सूत्र है CH3COOH, ये क्या है एसिटिक अम्ल से क्या बनाना है एथिल एमीन, एथिल एमीन का सूत्र ये हो जाएगा CH3CH2NH2 यही क्या है एथिल एमीन है ये बनाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा यहाँ पे पहले क्या है ये एसिटिक अम्ल है इसका क्या कराएंगे अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा देंगे NH3 के साथ अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, NH3 के साथ कराते हैं CH3COONH4 बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट बना। फिर इसके बाद इसको गर्म कर देंगे, ठीक है, तो जल निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3CONH2, ये बन जाएगा, हाँ ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब देखिए ये एमाइड है, ठीक है, एमाइड का केवल क्या करा दीजिए, अपचयन करा दीजिए, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, LiAlS4 की उपस्थिति में करा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनाना था, एथिलेमिन बनाना था, ये बन जाएगा CH3CH2NH2, ये बन जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एसीटैल्डिहाइड से क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है, एसीटैल्डिहाइड CH3CHO से क्या बनाना है, एसीटोन बनाना, एसीटोन का सूत्र यही होता CH3C(OOCH3), ये बनाना है, ठीक है। तो इसमें इसके लिए क्या कराएंगे, एसीटोन बनाना है, यहाँ पे 2 मोल्स है, तो इसके लिए आप कराएंगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे CH3 समूह जुड़ा है, ये कार्बन हो गया, ठीक है, इस साइड भी CH3 है, एक हाइड्रोजन इस पे लगा हुआ है, ये हो जाए यहाँ पे OMG BR, ये हो जाएगा। अब इसका क्या करा देंगे, यहाँ पे जल अपघटन कराएंगे, ठीक है, H3O+ जल अपघटन कराएंगे, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एसीटोन बन जाएगा CH3, यहाँ पे C1, ये कहां था, ये एक है, एक मिनट, क्या बना था, एसीटोन बनाना है ना, हाँ, तो यही बनेगा, ठीक है, एसीटोन बनाना है, पहले क्या ये बनेगा, ठीक है, यहाँ पे एक एच है, इस साइड भी CH3, यहाँ पे OH, ये लग जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब देखिए अल्कोहल का क्या करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ठीक है, किसके साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कर रहे हैं, K2Cr2O7 के साथ करेंगे, तो एसीटोन बन जाएगा CH3C(O), इस साइड भी CH3, एसीटोन ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला वाला ये दिया गया, चौथा नंबर दिया गया है, कह रहा है कि एनिलीन से बेंजाल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, एनिलीन, यहाँ पे NH2 समूह ये हो गया, एनिलीन से क्या बनाना है, बेंजाल्डिहाइड बनाना है, CHO बनाना है, ठीक है, एनिलीन, ये भी देखिए बहुत इजी है, आपने पढ़ा सैंडमायर अभिक्रिया जिसमें डायजोनियम लवण बनते हैं, ठीक है, किसके नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, सोडियम NaNO2+HCl के साथ कराएंगे, NaNO2HCl और तापमान 273 से रहता है, 278 केल्विन पर रहता है, तो क्या बनता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ये बनता था, ये क्या है, N2Cl ये बनता है। अब देखिए क्या क्या बना था, बेंजाल्डिहाइड बना था, तो केवल क्या कर दीजिए, H2O से क्या कर दीजिए, वार्म कर दीजिए, मतलब कि गर्म कर रहे हैं, H2O से गर्म कर रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, फिनॉल बन जा रहा है, ठीक है, ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया, फिनॉल का क्या कर दीजिए, जिंक चूड़ के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, जिंक चूड़ के साथ कराएंगे तो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, क्या बन गया, बेंजीन बन गया, अब बेंजीन बना है, ठीक है, अब बेंजीन बन गया, अब इसका देखिए क्या करा दीजिए, इसका अभिक्रिया कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में कर देंगे, तो भी ये क्या बन जाएगा, आपका बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, तो ये आप इसके साथ भी करा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड है इससे ये चेंज करने के लिए, ठीक है। और देखिए एक लास्ट दिया गया है, ये पांचवा बता रहे हैं, पांचवा वाला ये कह रहा है कि जो ये आपने बनाया था, क्या बनाए थे, ये बनाए थे ऑक्जेलिक अम्ल बनाए थे, ऑक्जेलिक अम्ल से क्या बनाना है, फॉर्मिक अम्ल बनाना है, ऑक्जेलिक अम्ल का ये सूत्र है COOH, यहाँ पे COOH, ये ऑक्जेलिक अम्ल से क्या बनाना है, फॉर्मिक अम्ल बनाना है, HCOOH, ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल है, ठीक है, तो ये कैसे बनेगी, अब देखिए केवल इसको क्या कर देंगे, जब गर्म कर देंगे, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल को जब गर्म करेंगे तो ये फॉर्मिक अम्ल बनेगा, प्लस इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो ये सब थे इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स प्रीवियस ईयर के, तो इसको
अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इस बार भी आ सकते हैं, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में करिएगा, ओके, थैंक यू।